actually me, I used to do a lot of events. I used to get a lot of gold medal in Asian Games and all. But now a lot of athletes are coming up. Like Anju has won the medal in the world also, and Madhas have won the world junior meet. Abhi to aa raha hai. Now they are coming up. Actually, the problem is we are not getting the Olympic medal because we keep facilities after getting the medal or when they become the seniors. But the grassroots level is very important. We should support grassroots level. So it may be possible in future if we do that. Madam, ये बता रही कि जो Olympic medal easy नहीं है, ये तो long term program है. Grassroots level में ज़्यादा ध्यान देना है. So अभी तो एक स्कीम आ गया है खेलो इंडिया का, देखेंगे बाद में तो हाउ इट वर्क्स. कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, हाँ ज़्यादा, हाँ ग्रास रूट से स्लोली स्लोली सिस्टमेटिकली तो आना है. आप जो ओलंपिक में रजत से चूकी थी उसमें पौष्टिक आहार की बात थी कि पौष्टिक आहार मिला होता आपको तो पूरा रन अप कर जाती हैं आप. बट अभी अच्छा कर रहा है, मीन्स अभी हिमादास अच्छा किया, वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड जीता है. अरे हमारा और हाँ जावलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने अच्छा किया जावलिन में. ये तो ये दोनों यंगर है तो फ्यूचर में चांस है. फ्यूचर डाइट अब सबको अच्छी मिल रही है, न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है अब गेम्स में जो अभी पार्टिसिपेट साथ हैं जी. अभी नहीं, अभी सीनियर में तो हो रहा है सब कुछ ना, सीनियर में. अभी तो जूनियर में था, दे शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस ऑन जूनियर्स लाइक ग्रास रूट स्टार्टिंग लेवल पे इसे समय से देना पड़ेगा. मैडम एथलेटिक्स में एक आरोप लगता है कि यहाँ पे पक्षपात होता है और अपने अपने लोगों को ये लोग चयनित कर लेते हैं और नए नए लोग नहीं आ पाते जो इसको जो अच्छे लोग होते हैं. तो क्या अभी भी ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है स्पोर्ट्स में, तो जीत किया तो जीत गया ना, तो कैसा कर सकता है. अब लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है मी टू का. मी टू मी टू मी टू मी टू तो वही तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करना है. स्पोर्ट्स के बारे में मैं तो इंटर स्पोर्ट्स का है ना. ओके ओके मैडम, बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अब? अभी बच्चा में सबको तो क्वालिटी तो होगा स्पोर्ट्स में और दूसरा फील्ड में होगा तो निश्चय होना चाहिए. तो हार्ड वर्क करना है तो थोड़ा तो ज़्यादा हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. इफ दे डू हार्ड वर्क डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. मैडम आप जब से आपने संन्यास लिया एथलेटिक्स से, इंदू लुक्मा ने एशिया में गोल्ड जीता था आपकी एकेडमी से? हाँ मेरा लड़की और वो लड़की ओलंपिक्स में 11th पोजीशन में आ गया था. और एक दूसरा अच्छा लड़की है जिसना मैथ्यू, वो अभी 19 ईयर का है बट देन शी जूनियर, शी इज द जूनियर एंड यूथ चैम्पियन एंड एशियन जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट एंड शी इज इवन पार्टिसिपेटेड इन द सीनियर एशियन गेम्स ऑल्सो एंड शी इज पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स ऑल्सो एंड मेनी आर कमिंग फ्रॉम माई एकेडमी. मैडम क्या हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर देख सकते हैं कभी एथलेटिक्स में? एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देख सकते हैं आप एथलेटिक्स की हेड हो जाए आप इंडिया के? तो इंटरेस्ट यही है ना, अपना बच्चा लोग अच्छा करना है, बच्चों को अच्छा करना है बस.